हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल को। फिर मैं हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए देखे ना एकदम अच्छी सी और नई एकदम रेसिपी लेकर के आई हूँ, एकदम सरल तरीके से और फटाफट से बन के तैयार होने वाली। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको गुलाब जामुन खिलाने वाली हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेसिपी को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा कि मैंने कितना अमेजिंग तरीके से बनाया है और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होता है। आपको महीने, दो महीने, चार महीने वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घंटों में से बनाकर मिनटों में खा सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद मनू 03 में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर आंवले जो कि 1/2 kg हैं। मैंने इसे अच्छे से साफ करके फ्रेश लिए हैं। आंवले पेड़ के तोड़े हुए होने चाहिए, इसमें चोट किसी प्रकार की नहीं लगी होनी चाहिए। तो अब इनको हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पतीले का यूज किया है, आप चाहें तो कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारे आंवलों को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं इसमें गुड़ का यूज करूँगी। अगर आप चाहें तो केवल चीनी का यूज कर सकते हैं या केवल गुड़ का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है 250 ग्राम जो कि टुकड़ों में छोटा छोटा तोड़ करके लिया है। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ गुड़ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने शुगर का यूज किया है, तकरीबन 300 ग्राम होगी। तो मैंने गुड़ और शुगर दोनों का यहाँ पर यूज किया है। अगर आप चाहें तो इनमें से दोनों का यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो केवल एक का यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे गैस पर रखेंगे पकने के लिए। तो मैंने यहाँ पर गैस पे इसे पकने के लिए रख दिया है। आपको जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो ये है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, एकदम लो पर होना चाहिए। तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें पानी का यूज़ तो करना है नहीं। मैंने तो पानी का यूज़ किया नहीं है तो हमारा गुड़ चिपकने लगेगा। तो अगर आप मीडियम पर रखेंगे या एकदम लो पर रखेंगे तो हमारा गुड़ आसानी से पिघलेगा और उसके साथ में शुगर भी आसानी से पिघल जाएगी। तो देखिए, तकरीबन 15 मिनट बाद हमारा सारा गुड़ पिघल गया है और हमारे जो आंवले हैं ये अच्छे से पकने लगे हैं। देखिए, इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है और आंवले भी बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अभी हमारा आंवला करीब 30 मिनट पक चुका है। 30 मिनट के बाद मैं इसमें डालूंगी इलायची जो कि मैंने छिलका निकाल करके लिया है, इसको बिल्कुल भी कूट करके नहीं लिया है। तो यहाँ पर हमारे सारे आंवले अच्छे से पक गए हैं। आपका आंवला पक जाएगा तो आपको पता चलेगा क्योंकि आपका आंवला जो है वो एकदम से पूरी तरीके से पीछे से खुल जाएगा, कलियाँ उसकी निकलने लगेंगी। तो ऐसा ही हमें रखना है। अब हम इसको उतार के साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो आंवले का मुरब्बा है ना, बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली बन के रेडी है और ठंडा भी हो गया है। देखिए, तो अब आपको 2-4 महीने इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फटाफट से बना सकते हैं और जब भी आप चाहें तो आप इसे खा भी सकते हैं। तो मैंने इसे रखने के लिए यहाँ एक एयर टाइट कंटेनर लिया है जो कि 1 kg का होगा। तो अब हम इसमें सारा मुरब्बा जो हमने बना करके रेडी किया था इसमें भर देंगे। इसमें भरने से हमारा मुरब्बा काफ़ी टाइम तक चलेगा। आप इसे 2 महीने, 4 महीने, साल भर जितने दिन तक भी रख कर खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ही धूप दिखाने का झंझट है, ना ही किसी प्रकार का इंतज़ार करने की झंझट है। आप फटाफट से बनाएं और खाएं, इसका आनंद लें। ये रेसिपी तो आपको ज़रूर ही बनानी है क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और आंवले का मुरब्बा तो कितना फ़ायदा करता है ना हमारे सेहत के लिए। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, जो इसका सिरा है वो भी बहुत ही अच्छे से बन करके रेडी हुआ है। हमको ऐसा ही सिरा चाहिए था, ये टूट करके बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो आप इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा, देखने में बहुत ही अमेजिंग है, खाने में भी बहुत ही अच्छा है। इसका गुड़ और जो हमारा शक्कर दोनों का जो सिरा है वो बहुत ही अच्छे से परफेक्टली इसके अंदर भर गया है, तो खाने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब मैं इसे बंद करके रख दूँगी और जब भी हमारा खाने का मन करेगा इसमें से हम डब्बा निकाल करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें
मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियो लेकर आती रहूँगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।